और हिजाब क्यों करना शुरू किया? हिजाब क्यों करना शुरू किया? यस, अब हम उस पर आएंगे. हिजाब इसलिए करना शुरू किया क्योंकि एक तो ये चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा से थी कि मुझे करनी है, लेकिन एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट जो मेरे साथ इस साल हुआ उसके बाद ये इजी हो गया मेरे लिए. लाइफ चेंजिंग मोमेंट हुआ? सो आई गॉट सिक इनिशियली दिस ईयर. आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर. ऑफ कोर्स आई रिमेंबर. या ऑफ कोर्स आई रिमेंबर. हां, सो कराची में थी आप उस वक्त? सो बेसिकली मैं, मेरी शादी हुई थी दिसंबर में और मैं जैन में आई मूव टू दुबई एंड मैं अपनी फैमिली को सरप्राइज देने कराची आई थी एक हफ्ते के लिए. तो दैट्स वेन आई स्टार्टेड फीलिंग द सिम्टम्स एंड मुझे एक्चुअली मेरी आई की राइट और लेफ्ट एक्सट्रीम मूवमेंट्स में दर्द होता था. लाइक अगर मैं बहुत राइट देखूँ और बहुत लेफ्ट देखूँ तो मुझे ऐसा लगता था जैसे पीछे से कोई मसल पुल हो रही है. एंड आई वेंट टू द डॉक्टर इन कराची द डे आई वॉज लीविंग. मेरी फ्लाइट थी तो आई वॉज लाइक जस्ट टू मेक श्योर, क्योंकि उस वक्त तक मेरे पास यू ए में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं थी. आई हैड जस्ट मूव्ड एंड मैंने कहा कि चलो आई विल गेट इट चेक्ड एंड द डॉक्टर सेड नो एवरीथिंग्स फाइन, डोंट वरी, इट्स जस्ट इन्फ्लेमेशन, कुछ भी नहीं है, नथिंग्स रॉन्ग. आई वाज ओके एंड दिस इज अ वेरी गुड डॉक्टर, वेरी गुड हॉस्पिटल दैट आई वेंट टू. सो आई वाज लाइक ओके एंड सैटिस्फाइड थी मैं कराची में. और बस उसके बाद मेरी एक ब्रांड की शूट थी वहीं पर एंड आई हैड टू गो टू द एयरपोर्ट डायरेक्टली. तो ब्रांड की शूट ही मेकअप रिलेटेड थी और मुझे कानल विजन में इश्यूज हो रहे थे. लाइक आई कुडंट सी प्रॉपरली एंड आई वाज, इट वाज अ मेकअप वीडियो तो मैंने ऐसे ऐसे कर करके करी थी एंड आई वाज नॉट, मैं अपने वीडियोग्राफर से मजाक भी करी थी कि मैं बिल्कुल अंधी हुई हुई मजाक में. एंड आई हैड टोल्ड माय डैड, माय डैड वाज लाइक प्लीज मत जाओ, रुक जाओ, विल गो अनदर, विल गो टू अनदर डॉक्टर डॉक्टर टुमारो में. बट आई वाज लाइक नहीं, मेरी अभी शादी हुई है, मैं इतने लंबे टाइम के लिए नहीं रुक सकती कराची एंड आई वांट टू गो बैक टू माय हस्बैंड बिकॉज़ मैं अकेले. क्या सब कितनी प्रॉब्लम हो रही थी? मुझे पता नहीं चल रहा था, बस मुझे दिख नहीं रहा था सही से बहुत क्लियरली. मतलब ब्लर नहीं था, ब्लर ही कहूंगी मैं. मतलब मैं, मुझे लग रहा था जैसे कुछ है यहाँ पे विजन में, जैसे कुछ है यहाँ पे, ऐसा लग रहा था. बट बिकॉज आप दोनों आंखों से देख रहे होते ना तो आपको बस विजन कम हो रहा होता है बट आपको पता नहीं चल रहा होता व्हाट्स योर इशू. खैर आई वॉज, मैं फ्लाइट में बैठी तो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था. मैंने हुडी पहनी थी तो आई पुट माई हुडी नीचे एंड आई वॉज लाइक यू नो आई जस्ट ईट समथिंग एंड टेक अ मेडिसिन. मैंने पेन किलर ली, मेरा दर्द सब्साइड हो गया. मैं पहुंची एयरपोर्ट, बल्कि एक लड़की मुझे पहचान भी गई एंड शी वॉज टॉकिंग टू मी दुबई पे एंड आई वॉज लाइक, मुझे बिल्कुल उसकी शक्ल नहीं याद, मुझे कुछ नहीं याद सही से एंड आई वॉज जस्ट लाइक इन दैट जोन वेयर आई जस्ट वांट टू गेट होम. आई गॉट होम, अच्छा रात की लेट नाइट की फ्लाइट थी, माई हस्बैंड वॉज वर्किंग इन द मॉर्निंग. सो आई वॉज लाइक तुम नहीं आना, मैं टैक्सी से आ जाऊँगी एंड एवरीथिंग वॉज फाइन. मैं अक्सर टैक्सी लेती थी पहले भी जब दुबई आती थी, सो वेरी सेफ प्लेस, कुछ मसला नहीं होता. सो आई केम होम, ही वॉज स्लीपिंग एंड 3 hours में उसको उठ के जाना था. वो चला गया, मैं सोती रही. When I woke up around 7-8 in the morning, I'm using my phone. अच्छा ये मेरा फ़ोन है और मैं ऐसे ना जैसे आप बेड पे लेट के फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, मैं ऐसे ही कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ यार क्या हो रहा है, दिख नहीं रहा, ब्राइटनेस बढ़ाई नहीं दिख रहा. फिर मैं ऐसे कर रही हूँ, नहीं दिख रहा एंड आई एम लाइक क्या हो रहा है. फिर आई जस्ट डिड दिस एंड आई डिड दिस, मेरी एक आंख का विजन 90% तक गॉन था, ब्लैक था. सो राइट नाउ फॉर एग्जाम्पल I wouldn't be able to see you and I would only see this light on top of me. And that too with a wo wala vision, to aapko kuch, bas aapko bachne ka light hai. You can't really see exactly kya hai, but light hai. Because aapki aankhein na synchronize hoke kaam karti hai dono milke. To agar ek bhi chali jati hai, to wo aapko sahi se, ab jaise main agar ek band karun, to mujhe ye wala area dikh raha hai. But I can't see this side and this side, I can tell there's something, but I don't know what. So that's how the eye works. And I freak out because I'm alone in a new country, in a new city. The husband's not home. I don't know kya ho raha hai. And my first voice just, I'm crying and I'm panicking and I'm calling him. And he's at work, usne phone nahi dekha, he's not picking up. And then my friend randomly messages me, my best friend messages me randomly and she's like, there, because hum aksar subah mein baat karte the. And I was like, yeah, can I call you? But just listen to me, don't say anything. और मैंने उसको कॉल की और मैं रो रही हूँ और मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा. और कह रही है अच्छा क्या हो गया? शी थॉट खुदा ना खासा किसी का इंतकाल हो गया, क्या हुआ? लाइक शी वाज सो स्कैर्ड एंड आई जस्ट कीप रिपीटिंग, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, लाइक मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा. एंड शी डजंट नो व्हाट टू डू. सो मैंने बस फ़ोन रखा है एंड आई एम, मेरे घर में ना उस वक्त फर्नीचर नहीं था इतना, बिकॉज खाली था मेरा घर उस वक्त. मैं सोफे की जगह जहाँ अब है मेरा सोफ़ा, वहाँ मैं ज़मीन पर बैठ गई हूँ और मैं बस, I'm just thinking in that moment, Daniel, ke I just started a new life and I think like my life is already ending, you know? Like I feel like this is, I'm so young for this. Like mere dimag mein itna kuch chal raha hai and I just feel like this is never going to be back. Like I'm never going to be okay and this is it. This is over. And
then my friend Mariam, she's family friend, so she called my sister. My sister knew, usne mujhe airport chhoda tha, usko pata tha ki mere vision mein problems ho rahi hain, so she got scared. She called me, she's like, bilkul bhi nahi aa raha. Maine kaha nahi, bilkul bhi nahi aa raha us aankh se. She called my dad. Now my mom tells me this, kyunki wo ab main unke muh se suna hai, us waqt to mujhe nahi pata piche kya ho raha hai. But my mom says ke baba itna humse dar ke uthte the. My dad's a heart patient, I didn't want to give him this, but obviously I'm alone in a new place and I don't know what's happening, right? Option nahi samajh nahi aa raha, karein kya aur panic ki situation hoti hai seedhi si. Aur maine mana kiya apni behan ko ki nahi batao, I don't know, lekin because Anas wasn't picking up the phone and wo kaam pe tha and I just didn't know what to do, and then she's asking me is dost ko bhej do, maine kaha nahi, I don't want anyone, I just want my husband. Because I'm embarrassed in a way, right? Like, meri ek aankh chali gayi hai, right? Main kis muh se kise kya bataun? To bas phir baba was, mama batati hai ki baba woke up and like, he was like, nahi aara, saman ko nahi aara. And then he's just so worried, and then my mom's really worried. Ittefaq se usi duran Anas calls me and he's like, I'm coming back, I heard what happened, I'm coming back. Wo aaya, he rushed me to the hospital. Ab hospital samajh nahi aa raha, insurance nahi hai, lekin ye bhi dekhna hai ki kaun se hum kareeb jahan dekh rahe hain, to hum pehle ek hospital mein, unhone kaha nahi, this is only for maternal, aap yahan chale jaye, aap wahan chale jaye, ye chal raha hai. Finally we reach yahan ka bahut acha hospital hai Dubai ka, we reach there and ab वो बहुत नॉर्मली लेते हैं पेशेंट को, जाहिर है मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, उनके लिए बहुत नॉर्मल हो सकता है चीज़ हो. तो मेरा एक अच्छा सिस्टम है, पहले आपका चेकअप होगा, वही टेस्ट होगा, देन यू विल गो टू अ रूम. प्रॉपर टाइम चल रहा है इसमें, एटलीस्ट 3 घंटे अब निकल चुके हैं एंड आई कॉन्ट सी. सो मेरा स्ट्रेस इन साइड मी इज बिल्डिंग. या आई एम पैनिकिंग एंड आई एम थिंकिंग, यू नो, कि मतलब मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ये होगा वापस ठीक या नहीं होगा, लाइक दैट्स ऑल व्हाट आई एम थिंकिंग. देन आई गो इनटू दैट रूम वेयर माई एग्जामिनेशन इज टेकिंग प्लेस एंड देन very nice doctor, like Daniela, I thank the Lord ki main, I was in that hospital. She picks up instantly, she's like, you have this optic neuritis, a condition hai. Mm-hmm. She's like, you have this. Usme kya hota hai? Usme ye hota hai ki it's a basically, it could be because of multiple sclerosis, it's a disease which has multiple manifestations, ek tarah se aapki representations hai. लेकिन ये जो एक पर्टिकुलर कंडीशन है कभी भी ऐसे भी हो सकती है. इट्स अ वेरी कॉमन इन एज ग्रुप 25 to 40. इसमें होता है कि यू लूज विजन बट इट हैज़ द चांसेज ऑफ कमिंग बैक. सो एट लीस्ट देर वॉज समथिंग के, सो आई आस्क्ड हर एंड अच्छा, सो शी इज़ चेकिंग एंड अनस गोज़ लाइक, जब लाइट इतनी स्ट्रॉन्ग लाइट तुम्हारी इस आँख पे आती है तब तुम ब्लिंक करती हो फॉरन, एंड इज लाइक जब यहाँ आती है तो तुम्हारी आँख खुली हुई है बिकॉज यू कॉन्ट इवन टेल देर इज़ लाइट. एंड आई एम जस्ट लाइक, इस वक्त तो मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो मेरे लिए तो कोई लाइट थी ही नहीं ना. मैं इनसे पूछूं, आप लाइट ला रहे हैं इधर? बिकॉज मुझे नहीं दिख रहा कि लाइट इधर आ रही है. एंड फिर उसने कहा कि इट्स योर चॉइस, यू वांट टू गो बैक टू पाकिस्तान स्टार्ट योर ट्रीटमेंट, और यू वांट टू स्टार्ट योर ट्रीटमेंट इंस्टेंटली, कंप्लीटली योर चॉइस. एंड मैं ना साइलेंट हो गई थी उस टाइम पे, लाइक आई वॉज लूजिंग माई सेल्फ स्लोली स्लोली इस पूरे प्रोसेस में, बिकॉज it was too much for my heart, you know, it was too much of a burden, of course, and I didn't know how to process this, I didn't know how to deal with it. And then Anas ne bas mujhse pucha, do you want to go back and I'll come with you and we'll go and we'll get it fixed, or do you want to do it here? And I said, whatever the doctor thinks is best. So doctor ne bola ki I suggest you start here instantly, because aapko flight milegi, aap jayenge, treatment late hoga, there are chances of vision coming back decreases every second. Every second. So she said, you start instantly, I would suggest you, but if it's a very big financial crisis, then I wouldn't suggest it. Aap wapas chale jaan. Humne kaha, nahi yaar, hum furniture baad mein le lenge. You know, like, humari priorities hi change ho gayi. Humne kaha, you know, khuda na khasta jewelry bechni padi. Matlab, we were not even, matlab, honestly, like, koi baat nahi. Kitne bhi paise, abhi ke liye, we want this to get done. And then we started the treatment and... my mother came, surprised me. लोग मुझसे मिलने आते थे. I was just like a dead soul. I didn't know what was going on. Plus every second I used to like open my eye. और मैं चेक करती थी, थोड़ा हुआ, वापस आया, नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, it's not working out, होगा नहीं होगा, like my head was constantly in things. Anyway, this was because... और treatment किस तरह किया था उन्होंने? So it's steroid-based treatment. IV से steroid लगती है, medications होती हैं, and the steroid is the only thing that can get your eye, the vision back. और ये भी 100% नहीं? नहीं, it's a chance. Alhamdulillah. तो पहले खैर उसी process में मैं आपको बताई थी कि मैं जब hospital में थी तो I was in a ladies ward and वहाँ पे एक मुझे ना वो bother कर रहा था मेरा area बहुत, it was next to the washroom. So I said, can you please move me to another room?
तो व्हेन शी वाज मूविंग मी आई जस्ट आस्क्ड हर कैन यू कवर मी. तो यहाँ पे मुस्लिम्स का कवर इज ऑब्वियसली हिजाब एंड एवरीथिंग राइट. बाय कवर आई मेंट कि बस आप मेरे ऊपर यहाँ पे कुछ डाल दें क्योंकि मुझे आदत थी कि मेरा यू नो यहाँ पे कुछ पड़ा रहे. एंड शी उसने मेरे ना पूरा मेरा स्कार्फ बांध दिया ऐसे मेरे सर कवर कर दिया मेरे बाल. एंड शी टुक मी टू द अदर रूम. अच्छा उस वक्त मैं कुछ नहीं बोली मगर मुझे ना बहुत हिट हुआ अंदर. अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा. मैं इतनी डेड सोल हो चुकी थी दानियाल उस वक्त कि मुझे वो एक मोमेंट ऑफ पता नहीं क्या मुझे बस वो अंदर हुआ. मैंने कहा यार लाइक मे बी बस अल्लाह ताला यू नो मे बी वाज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद मी आई डोंट नो. फिर खैर मैं नमाज़ तो वैसे भी पढ़ती थी तो मैं एक सामने एक अरब आंटी थी तो वो मुझे देखती थी स्माइल करती थी जब मैं नमाज़ पढ़ती थी. तो जब मैं सर पे से उतारती थी ना तभी वो मुझे देखती थी कि मतलब यू नो उनके लिए ये वो था कि कोई आ रहा है लड़का बट मैंने नहीं लिया हुआ फॉर एग्जांपल. तो वो छोटी छोटी चीज़ों में आई स्टार्टेड पिकिंग इट एंड देन मैंने रैंडमली बस डालना शुरू किया. एंड एक दिन आई वेंट आउट जब ये आहिस्ता आहिस्ता आँख ठीक हो गई थी एंड आई वेंट आउट एंड मैं उस दिन भूल गई क्योंकि आदत नहीं थी ना दुपट्टा लेने की भी ऐसे ही बस निकल गए ब्लेजर वो सर्दी थी तो वो लिया जैकेट लिया और भूल गई दुपट्टा. एंड आई किड यू नॉट दानियाल आई फेल्ट सो अनकंफर्टेबल दैट डे एंड आई वाज जस्ट लाइक ओ माय गॉड वेयर इज माय स्कार्फ. लाइक आई गॉट यूज्ड टू इट टू एन एक्सटेंड वेयर आई फेल्ट आई जस्ट वांटेड टू गो बैक एंड टेक माय स्कार्फ. सो फिर वो दिन था और आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह लाइक आई कांट टेक दिस ऑफ एंड दिस इज लाइक अ पार्ट ऑफ मी इट्स माय आइडेंटिटी इट्स समथिंग दैट I always wanted to do, but it became so much easier this way. और पता है मेरा actually plan था कि मैं उम्रे पे जाऊँगी मैं शुरू करूँगी but मुझे अल्लाह ताला ने उम्रे से पहले ही शुरू करवा दिया. और मतलब एंड यहाँ पे ना आप UAE में आपको दिखता होगा यहाँ बड़ा आसान है. पाकिस्तान में लोग बड़ा मुझे शुरू में बहुत प्रॉब्लम होती है अभी भी मुझे कहते हैं ऐसे ले लो या इधर से बाल थोड़े से दिखा दो लूज ले लो. यहाँ कपड़ों का तो आसान है ना आप कुछ भी पहने कुछ भी. आप ना पहने या पहने मर्जी है भाई. कोई कुछ नहीं कहता. और यहाँ आपको जैसे अगर आप मुस्लिम औरतों को देखें जो प्रॉपर प्रैक्टिस करती हैं मॉडेस्टी मुझे बड़ा अच्छा लगता है देखे कि वो बड़े इजी उसमें कैरी करती हैं अच्छी लगती हैं. मॉडर्न फैशन भी है ना इट्स अ थिंग नाउ हेयर. वहाँ पर तो ये तरीका होना चाहिए ये क्यों नहीं है इधर से क्यों यहाँ से क्यों निकला हुआ है. वो हाफ स्लीव्स ओके हैं वहाँ पे लेकिन वो दुपट्टा होना जरूरी है. पता नहीं क्या तरीका है. कल्चर हमारा कल्चर है प्रॉब्लम. और अभी भी मुझे वहाँ से बहुत चीजें सुनने को मिलती हैं जब मैं कभी हिजाब सही से लेती हूँ तो वो कहते हैं थोड़ा सा यहाँ से दिखा दो यहाँ से बाल दिखा दो थोड़ा सा लाइक लूज लो टाइट नहीं लो यू नो मतलब थोड़ा सा वो चलता रहता है. तो मैं आई एम ऑन अ जर्नी आई एम नॉट परफेक्ट. मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाहती कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ या मैं मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं और मैं बिल्कुल परफेक्ट मुसलमान नहीं हूँ लेकिन आई एम ट्राइंग. कोई भी परफेक्ट मुसलमान कोई भी नहीं है बट आई एम ट्राइंग एंड आई एम doing Absolutely, one step yes. at a time and I think it's okay. Yeah, we all are perfect. We all are not perfect and we all are trying basically. Yeah. तो बात यही है और मसला सारा यही है ना कि हम लोग अपने आप को देखते ही नहीं हैं और फिर सामने वाले को देख रहे होते हैं. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है पाकिस्तान में मुझे बहुत ज़्यादा ना दुख होता है इस चीज़ का. और मैं पहले काफ़ी ज़्यादा ना रिलीजन की बात किया करता था अपने बिलीव को ज़्यादा जाहिर किया करता था. अब मैंने वो करना ही छोड़ दिया जानबूझ के क्योंकि वो यही बोलते हैं यार तू तो ट्रैवल भी करता है तो यहाँ भी जाता है तो वहाँ भी जाता है तो अभी दीन की बात कर रहा है तो भाई तुम तो मुनाफिक हो गए. एक तो हर जगह ना सीधा सस्ते तरीन टैग्स हमारे 4-5 टेम्पलेट्स हैं किसी को मुनाफिक कह दिया किसी को काफिर कह दिया किसी को कुछ कह दिया वो कर दिया. सोचते नहीं कि यार क्या फ़र्क पड़ेगा सामने वाले पर. और जब कोई और आपको कहता है तो फिर बोलता है नहीं यार मुझे क्यों ऐसे कह दिया. फिर पता चलता है कि नहीं यार फिर भी फर्क नहीं पड़ता उनको. इट्स वेरी नॉर्मल इन आवर सोसाइटी टू से एनीथिंग टू समवन एंड मतलब आपको तंग होता है बस हम तो कुछ भी कह सकते हैं. नहीं कह सकते आप कुछ भी भाई. मेरी अपनी जर्नी है मुझे पता है मेरे लिए कितना मुश्किल है ये. और दानियाल मैं यहाँ मूव हुई थी नया सही है मेरे पास कॉन्टेंट था दिखाने के लिए जो मुझे सब हटाना पड़ा. Now I didn't have anything to show the brands that what had I done. Hatana pada. Maine sab hata diya apne profile se. So I don't have anything. Sacrifice. Yes, so I had to remove everything. Yes, mere paas kuch bhi nahi hai purana. In fact, mujhe us din kisi ne message kiya aur bola ki wo मुझे तुम्हारे बाल देखने लड़की थी मैंने कहा मुझे तुम्हारे बाल देखने का दिल चाहता नहीं जिसने मुझे अभी फॉलो किया था तो कहती मैंने यूट्यूब पे लिखा तो दानियाल की वीडियो आई बिरयानी वाली. ओ, मैं हटा देता हूं. अगर आप हटा सकते हैं तो हटा दूंगा. ऑफ कोर्स मैं हटा दूंगा. मगर मैं वैसे बताई थी कि उसने वहां पे उसने कहा कि मुझे तुम्हारे बाल वहां देखे मैंने कि मुझे देखना था कि समन कैसी थी बालों के साथ यू नो.
तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली किसी ब्रांड ने लगाई भी होगी, कहीं ना कहीं लगी भी होगी, बट पॉइंट इज के मुझे वो सब हटाना पड़ा एंड हैड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच ओवर हियर एंड हैड टू क्रिएट न्यू कॉन्टेंट ताकि मैं ब्रांड्स को दिखा सकूँ कि ये मेरे नंबर्स हैं, दैट्स हाउ आई रीच. या स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. एंड हाउ डू यू फील? आई फील अमेजिंग. आई हैव नो रिग्रेट्स, अल्हम्दुलिल्लाह. क्योंकि अगेन वही वाला होता है कि यार मैं दोबारा जीरो पर आ गई यार, मगर मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन है अपने अंदर दानियाल, मुझे लगता है मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ. मुझे लगता है कि, और फिर जब आप तैयार होते हैं ना, कभी कभी मैं तैयार होती हूँ, मैं अपने बाल खोलती हूँ, कितनी अच्छी लग रही हूँ, मगर फिर मैं कहती हूँ ओके माय हस्बैंड्स देयर, वो मुझे देख ले ऐसे, यू नो मेरा महरम देख रहा है और मैं उसको एंजॉय करती हूँ. फिर मैं हिजाब पहनती हूँ, मैं कहती हूँ आप सब मुझे ऐसे देखेंगे. तो आई फील गुड अबाउट दिस, यू नो आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बिकॉज आई नो इट्स डिफिकल्ट, सो आई कीप सेइंग दिस बिकॉज हमारी सोसाइटी बहुत मुश्किल कर देती है.